हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस इज साक्षी अग्रवाल सो अड आप जा रहे हैं कि किसी स्पोर्ट के हेल्थ करा एक बार वीडियो देख लो मुड़के थोड़ा कदम भी नहीं भूलूगा किने नंबर ऑफ प्लेयर्स है जो खेलते हैं सो खेल so, वीडियो में एंड तक जरूर देखियो अगर वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करियो तो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करियो सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन सो सब चार गेम्स करते हैं गेम्स हैं जिन्होंने एक प्लेयर भी खेल सद मतलब सिंगल्स या फिर डबल्स भी होंगे ओके सो हूँ अपने कोेबल्स थोड़ा दिख रहे हैं जोड़े टेबल्स ने किन्ने टेबल्स हैं टैन तो की होया टेन टेबल्स के सामने दियो और एक कार आ रही है ओके okay, सो so कार न ड्रॉ कर दें जैसी भी बनती है सो एक कार है ओके तो जी कार है ना ये शीशे हैग ब्लैक कलर के सो जिदे कारण आप पता लग रहा कि यह कारो बंदे बैठे हैं या फिर एक बंदा बैठा है ओके क्योंकि जो शीशे हैं ब्लैक कलर दें हैं सो अपनों दिख नहीं रहा सो इतने आप वन या टू लिख लें हूँ देखो जी कार है वो टेबल जो अगे अगे व चली जा रही है ओके मतलब जोड़ा भी परसन य कार् ड्राइव कर का रहा है वह अच्छा ड्राइवर नहीं है ना क्योंकि वो अगे देख ही नहीं रहा ओके सो की एक बैड ड्राइवर है ओके ये की अपने को कारो ये छोटी जी चीज़ न थो चारों गेम्स याद हो जाए हूँ देखते हैं किमें देखो इतने आपने गल की कि किन्ने टेबल पे हैं टेन टेबल सो टेन तो याद रखना टैनिस ओके 10 ਆ ਰਿਹਾ ਨਗੇ ਤੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ओके ਸੋ ਟੈਨਿਸ ਤੇ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 10 ਟੇਬਲਸ ਪਏ ਆ ਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕੈਰਮ ਨੂੰ ओके ਸੋ ਕਾਰ ਤੋਂ ਕੈਰਮ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਡ ਡ్రਾਈਵਰ ਹੈ ਬੈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਨੂੰ ओके ਸੋ ਚਾਰੋਂ ਗੇਮਸ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਐ एडे प्लेयर है वो एक भी हो सद है तो दो भी होते हैं ओके सो अपा नहीं पता क्योंकि कार् के जोड़े शीशों ब्लैक है सो so अपन पता नहीं कि एक बंदा बैठा हुआ अंदर या दो बंदे बैठे हुए हैं ओके सो वन या टू तुम इतों याद कर सद आई होप एक ट्रिक थोन समझ आ गई होगी हूँ नैक्ट गेम याद कर दें सो so okay, नैक्सट है बिलियड बॉक्सिंग चैस ओके हूँ बिलियड में तुम याद रख सद बिल्ली हिंदी आप कि बोलते हैं कैट न बिल्ली बोलते हैं ना सो मतलब उर आप एक बिल्ली की गल कर रहे हैं तो so, एक बिल्ली की है सिंगूलर होगी ओके सो बिलियड में तीन कैट न रिलट करके याद रख सौ कि एट ए टाइम एक परसन खेलता है सो बॉक्सिंग अगर तुम स्पैलिंग देखो तो इतने की है बॉक्स प्लस आई एन जी ओके सो मतलब आप इतने किसी एक पर्टलर बॉक्स की गल कर रहे हैं ना ओके okay, सो so, तुम याद रखियो कि बॉक्सिंग भी एट ए परीकूलर टाइम एक बंदा हूं एक साइड तो ओके okay, और तो बाद नैक्सट है चैस चैस के लिए थोड़ा पता ही है कि एक प्लेयर इधरों खेलूगा एक प्लेयर इधरों खेलगा ठीक है मतलब यम तौर पर सबू पता ही हूँ सो ये याद रखने वाला कुछ नहीं है ओके सो य तीन गेम्स है बिलियड बॉक्सिंग चैस य ऐसिया गेम्स हैं जिदेव एक साइड तो एक ही प्लेयर खेलद ओके सो इन एवं याद रख सद और तो बाद नैक्सट गेम डिस्कस करते हैं सब तो पहली हैगी है पोलो हूँ अगर तुसी पोलो के दे स्पैलिंग देखो तो की है वन टू थ्री फोर यानी कि ए लैटरस है ना पी ओ एल ओके सो वन टू थ्री फोर तो इतों याद रख सकते कि पोलो दे कि होंगे हैं फोर ओके हूँ नैक्सट गेम है वॉटर पोलो हूँ एने परसन आओ किमें याद रख स पोलो के किन्ने प्लेयर होंगे हैं फोर ओके अगर तुम अगे वाला वर्ड देखो वॉटर सो so, अगर तीस डबल्यू न थोड़ा इधर रोटेट कर दो ओके सो कुछ इस तरीके का बन जूगा ना ओके सो यूँ कि दिख रहा है थ्री की तरह दिख रहा है सो थ्री तो प्लस फोर पोलो के आपउंट किए सो so, वॉटर पोलो के किन्ने प्लेयर होंगे हैं सैवन ओके सो तीस एवं याद रख सद सो आई होप पोलोते वाटर पोलो के भी थोड़ा याद हो गए कि किन्ने प्लेयर्स होंगे पोलो के फोर होंगे तो वॉटर पोलो के सैवन ओके सो नैक्सट गेम है बास्केटबॉल वॉलीबॉल से नैटबॉल हम इन किमें याद रखोंगे बास्केटबॉल में तुम याद रखने एक चीज़ सोच सद कि थोड़े अगर एक बास्कट पई है ओके तो बास्किट के किनिया बॉल्स हैं फाइव बॉल्स हैं हूँ ए फाइव बॉल्स क्यों है क्योंकि अगर तुम्हें बॉल्स से स्पैलिंग देखो तो उस दे कि लैटरस है फाइव लैटर्स होंगे है ना सोमेंद रख सद कि जी बास्ट पई है ये कि बॉल्स है फाइव बॉल्स ओके okay. सो so, बासकेटबॉल किन्ने प्लेयर होंगे हैं फाइव ओके हूँ नैक्सट है वॉलीबॉल वॉलीबॉल मेंद रख सद वॉलीबॉल में याद, याद रखने का बहुत ईजी तरीका अगर तुम वॉली के स्पैलिंग देखो तो किन्ने लैटर हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके सो वॉलीबॉल के प्लेयर होंगे हैं सिक्स ओके नैक्सट है नैटबॉल नैटबॉल मेंद रख सद नैटबॉल अगर अगर टोटल स्पैलिंग देखो किए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन सैवन लैटर है ना नैटबॉल के किन्ने प्लेयर्स होंगे हैं सैवन ओके बॉल में तुम्हें याद रखना बासकेट के बॉल्स पई ट्रिक ट्रिक्क के नोत बाद वॉली बॉल के स्पैलिंग काउंट कर लो लैटर्स काउंट कर लो ओके बाद नैटबॉल टोटल नैटबॉल के लैटर्स काउंट कर लो ओके सो नैक्सट गेम की गल करते हैं सब तो पहले हैगी नैक्सट है, कबड्डी हूँ कबड्डी केवे याद रख सद अगर तुम कबड्डी लैटरस काउंट करो कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन ओके सो कबड्डी के किन्ने प्लेयर होंगे हैं सैवन ओके नैक्सट है खोखो हूँ खोखो किए याद रखोंगे देखो खो खो दे टोटल लैटर किन्ने हैं एक खो के थ्री लैटर हैं। तो इधर भी थ्री लैटर हैं। ओके सो थ्री इधर है थ्री इधर है अगर ये थ्री, थ्री मल्टीप्लाई करा तो कि होगा नाइन सो खो खो दे विच, किन्ने प्लेयर होंगे नाइन खोखो तो थो थोने स्कूल भी याद आ गए होगी आई गैस क्योंकि खो आम हूँ स्कूल के हर किसी ने खेली होगी ऑलमोस्ट और बाद नैक्सट है बेसबॉल हूँ बेसबॉल के प्लेयर होंगे हैं इनू याद किमें कर सद दे देखो अगर ये बेस दपैलिंग दे देखो तो ये थोड़ा कोडिंग डीकोडिंग का लॉजिक लगाओ बी लैटर का आप कि निकल फॉर्म लैने हे टू ए का वन एस का नाइनटीन ई फाइव इनू प्लस कर दो प्लस करके कि बनूगा ट्वेंटी सैवन okay, ओके so सो टू तो सैवन आपस प्लस कर दो कि बनया नाइन बनया ना सो बेसबॉल के पलेयर होंगे हैं नाइन एवें याद रख सद ओके कबड्डी के सैवन खो खो के नाइन बेसबॉल के भी नाइन ओके सो नैक्सट गेम है हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल हूँ इनू किमें याद रख दे। सपोज करो कोई परसन है ओके okay? सो so, देखो हम अगर आम तौर पर किसी भी इंसान की गल करिए इंसान के होंगे हैं दो हथ हे दो पैर होंगे ओके हूँ सब तो पहले आप गल करते हैं होकी की होकी टोटल किन्ने खिलाड़ी हूँ इलेवन किमें याद रख सद हूँ होकी कि खेल, खेल रहे हाथ हथना खेल रहे हैं तो देख भी सदते दे है। so, हो हैंड न खेली होंगी है सो टोटल किन्नेड हो गए टू हो गए ना वनते वन सो इन एवं थोड़ा इमेजिन कर लो ओके okay? कि टू हैंड्स हैं वन वन तना बन गया इलेवन और तो बाद नैक्सट नैक्सट है क्रिकेट ठीक है हूँ क्रिकेट भी की हैडना ही खेलते हैं सो so, क्रिकेट में भी एवं इमेजिन कर लो कि दो हैंड्स हैं ठीक है इन एवं इलेवन की तरह लिख लो कि एक हैंड इधर गया एक हैंड इधर हो गया अगर आप किसी परसन गल कर रहे हो तो एक हाथ इधर गया एक हाथ इधर हो गया सो किमें बन गया इलेवन ओके okay, वैसे क्रिकेट का सबू आम तौर पर याद हूं कि इलेवन प्लेयस होंगे और तो नैक्सट है फुटबॉल हूँ फुटबॉल में कि खेलते हैं लैग्स की हैल्पना खेलते हैं पैराल खेलते हैं ओके खेल है? खेल है? okay, सो इंसान के कोई कि लैगस होंगे दो होंगे ना सो अगर तुम भी ध्यान देखो कि बन गया इलेवन ठीक है एक इधरली लैग एक इधरली लैग सो किन्ने बन गए इलेवन की तरह दिख रहे हैं ठीक है कि अगर आप किसी परसन दो लैग्स की गल कर रहे हैं सो एने भी प्लेयर्स हूँ हैं इलेवन क्रिकेट भी इलेवन सो एक ट्रिक है ठीक तो है जिम्मे मर्जी याद रख सद जो मैं ट्रिक ईजी लगी मैं तुम्हें दस रही हूँ सो होकी क्रिकेट तो फुटबॉल ये तीनों ऐसा गेम्स है जिद्द इलेवन प्लेयर होंगे ओके सो लास्ट गेम है रगबी फुटबॉल ओके हूँ ए किन्ने प्लेयर्स याद कर सब तो पहला टोटल लैटर्स गिने रगबी फुटबॉल के किन्ने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन एट नाइन टैन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन यानी कि टोटल किन्ने हो गए थर्ट लैटर्स ओके सो थर्टीन देव एक रगबी अगर आप पूरा वर्ल्ड लह रहे हैं तो वन प्लस करता रगबी का एक फुटबॉल अगर आप पूरा वर्ल्ड ला लगा रहे हैं वह एक वन प्लस करता सो so, टोटल कि हो गया थर्टीन प्लस वन फोरटीन प्लस वन फिफ्टीन सो so, रगबी के किन्ने प्लेयर होंगे हैं फिफ्टीन एवें याद रख सकते हो ओके सो एक बार सारे दोबारा डिस्कस कर लेंता अच्छे तरीके याद हो जाए कि पढ़िया सब तो पहले आप कैरम बैडमिंटन टैनिस टेबल टैनिस टे की टे 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 गल की यारिया ऐसा गेम्स ये एक प्लेयर भी हो सद दो भी हो सकते हैं और तो बाद नैक्सट बिलियड बॉक्सिंग से चैस की गल की किए हैं वन okay, ओके उसद नैक्सट पोलो की गल की ये फोर प्लेयर हूँ वॉटर पोलो के हूँ दैन बास्केटबॉल के फाइव वॉलीबॉल केिक्स नैटबॉल के सैवन ओके उस कबड्डी के सैवन खो खोन बेसबॉल के नाइन ओके इतने लिख भी दें उसके बाद नैक्सट हॉकी क्रिकेट तो फुटबॉल ये किन्ने इलेवन ओके सो लास्ट गेम डिस्कस की रगबी फुटबॉल रगबी फुटबॉल के किन्ने प्लेयर्स फिफ्टीन आई होप एक ट्रिक्स थोनू ईजी लगे होनगियां तुम्हारों याद भी हो गए होगी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मैं अपने वो कोशिश करूँगी कि मैक्सीम टू मैक्सीम टॉपिक हर सब्जैक्टू कवर करवा कि थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स आ सकन जेड भी एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो ओके सो अज के लिए इना ही मिलता है नैक्सट लैक्चर के थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे